स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि क्लास ट्वेल्थ में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे हमारे पास बोर्ड्स के एग्जाम्स हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और बहुत सारे इसके बेसिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। देखो, हमारे पास ये यूनिट जो है, यूनिट का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, दो चीजों से बना है, दैट इज इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। देखो, इलेक्ट्रो की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रो एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यहां पर लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम बताते हैं कि हमारे पास चार्ज है। चार्ज जब रेस्ट में होगा, कहां पर? रेस्ट में। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज की दो स्टेट्स होती हैं, एक तो रेस्ट है, दूसरी हमारे पास मोशन है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास चार्ज जो है, चार्ज की कंडीशन चार रेस्ट में होगी। अभी चार्ज एक्चुअल में क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली चीज, लेकिन चार्ज का अगर स्टेट देखेंगे, एक तो हमारे पास रेस्ट है, दूसरा है मोशन। मतलब अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट में होगा, उसका बिहेवियर जो होगा या उसके साथ फिनोमिना जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस होगी डे टू डे लाइफ में। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट या चार्ज हमारे पास जब मोशन में होगा, तो उस केस में हमारे पास चार्ज जो है डिफरेंटली बिहेव करेगा, और उस केस में हमारे पास उसके साथ फिनोमिना जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, और अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी उस टाइम पर डिफरेंट होगी। अब रेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जब हम रेस्ट पर चार्ज होगा तो उस केस में हम कहते हैं इसको स्टैटिक चार्ज, ठीक है। जब ये हमारे पास मोशन में होगा कहेंगे डायनेमिक चार्ज, ठीक है। स्टैटिक चार्ज एंटायर जितना भी हमारे पास है उसके एंटायर फेनोमिनास, बिहेवियर्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम इस फील्ड में पढ़ते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। दूसरा है मोशन, उसको कहेंगे अगर चार्ज हमारे पास मोशन में होगा तो वहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, मीन जब चार्ज मोशन में होगा। और ऑब्वियसली जब चार्ज मोशन में होगा तो हमारे पास वहां पर दो इलेक्ट्रिक का भी इफेक्ट होगा, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट होगी, और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होंगे। क्या होंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन किसके? सिर्फ हमारे पास जब चार्ज कहां पर होगा? मोशन में होगा। देखो, लेकिन यहां पर क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है, आखिरकार हमारे पास ये चार्ज क्या होता है? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में हम समझेंगे कि आखिरकार हमारे पास ये चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी हम चार्ज का जिक्र करते हैं तो मैक्सिमम के माइंड में ये आता है कि हमारे पास चार्ज जो है, एक है पॉजिटिव चार्ज कुछ, एक है नेगेटिव चार्ज, या ऐसा माइंड में आता है उनके कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है पॉजिटिव, ऐसा कुछ, ये दो चार्ज है। क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन चार्ज है? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमारे पास प्रोटॉन चार्ज है? नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? इलेक्ट्रॉन चार्ज्ड हो सकता है, प्रोटॉन चार्ज्ड हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है उस पे चार्ज हो सकता है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है उस पे चार्ज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे पास चार्ज नहीं है, प्रोटॉन मेरे पास चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो चार्ज आखिरकार क्या है? देखो, मेरे पास क्या है कि चार्ज एक किसी भी सबस्टांस, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक सबस्टांस है, उस सबस्टांस की ये प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है? करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। क्या है? करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। किसी भी सबस्टांस की चार्ज क्या है? एक करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आप में ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको देता हूं। For example, मेरे पास है सोडियम। क्या है मेरे पास? सोडियम। अब सोडियम जो है, सोडियम इसलिए सोडियम है क्योंकि इसमें कुछ करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका एग्जिस्टेंस एज अ सोडियम है, नहीं तो नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कितना है मेरे पास? 11 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 है, और प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी इस तरीके की है, सच दैट कि मेरे पास ये सोडियम एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर सोडियम में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब ये सोडियम नहीं रहा, ये सोडियम आयन बनेगा, अब ये कंडक्ट भी करेगा, पहले कंडक्ट नहीं कर रहा था, अब ये सोडियम नहीं है, सोडियम का आयन है। इसका मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो डिपेंड होती है उसकी करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर। या सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मैं एक ह्यूमन बींग हूं। क्या हूं? मैं एक इंसान हूं।
अब मैं इंसान इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास या मेरे साथ एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं इंसान हूं। समझ आ रही मेरी बात? उसमें हमारे बस पांच इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आती हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ये इंसान है, वो ग्रो करना चाहिए, रिप्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, तो उसका सेल डिविजन हमारे पास होना चाहिए, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंसान है। इसी तरीके से कोई भी सबस्टांस मेरे पास है, कोई भी सबस्टांस अगर है, ठीक है, तो कोई भी सबस्टांस को हम क्या कहेंगे, कोई भी सबस्टांस में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखो हमारे पास क्या है कि मेरे पास चार्ज जो होता है, चार्ज जो है वो किसी भी सबस्टांस की क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या है? सबस्टांस की प्रॉपर्टी है। आप देखो यहां पर हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे। मैंने बताया ये एक सबस्टांस की प्रॉपर्टी है, तो यहां से मुझे ये क्लियर हुआ कि मेरे पास चार्ज जो है वो पार्टिकल जो है नहीं है। तो चार्ज मेरे पास क्या है? सबस्टांस की प्रॉपर्टी। आप देखो ये चार्ज का खेल क्या होता है, चार्ज का सब जो हमारे पास ये एग्जिस्टेंस होता है, चार्ज का जनरेशन जो होता है वो किसके साथ एसोसिएट। मेरे पास एक सबस्टांस है, मेरे पास एक सबस्टांस है, इस सबस्टांस का नाम रखा मैंने ए, और दूसरा मेरे सबस्टांस है, मेरे पास दूसरा सबस्टांस है बी। अब मैंने क्या काम किया, इन दो सबस्टांस को क्लोज लाया, क्लोज लाने के बाद मैंने रब किया। क्या किया मैंने? रब किया। अब रबिंग के दौरान, अब यहां पर रबिंग के दौरान यहां पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है, क्योंकि जब दो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास कर रहे हैं, ड्यू टू इरेगुलरिटीज यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होती है या फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होती है। उस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर क्या होता है कि हीट एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है? हीट एनर्जी जनरेट होती है। जो ये हीट एनर्जी जनरेट होती है वो इन दो बॉडीज को ट्रांसफर होती है, बॉडी ए और बॉडी बी की ओर ट्रांसफर होती है। ये हीट एनर्जी अंदर हमारे पास एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। अच्छा, वो हीट एनर्जी जो है, ये जो हमारे पास हीट एनर्जी है, ये एटम्स लेंगे। अच्छा, एटम जो ही हीट एनर्जी लेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर मूव करना शुरू करेंगे। लेकिन उनमें से भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनमें ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से, ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से वो बाहर की ओर मूव करेंगे। मीन जब वो बाहर की ओर मूव करेंगे मीन्स वो सरफेस की ओर मूव करेंगे। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन कि किसमें क्या पोटेंशियल है, किसमें कितना वर्क फंक्शन है, ठीक है कि नहीं, वर्क फंक्शन होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है एक चार्ज को ड्रॉप इनसाइड। उसमें दो पार्ट्स हमारे पास होते हैं, एक पार्ट हमारे पास वर्क फंक्शन का या एनर्जी का, वो इस्तेमाल होता है कि इलेक्ट्रॉन को बल्क से लाना है सरफेस की ओर, दूसरा होता है वहां से बाहर निकालने की, ठीक है कि नहीं। अब क्या होता है कि जब इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाता है। अब बाहर कहां पर आ जाएगा? वो बाहर आ जाएगा सरफेस पर। कहां पर आ जाएगा? सरफेस पर। अब इसके साथ अटैच दूसरी बॉडी है, अब किस पे कितनी पोटेंशियल होगी, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर ट्रांसफर होगा। अब सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो सपोज ए से निकला और गया कहा? बी पर, ठीक है नहीं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एक जो है वो कम हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक जो है ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि बॉडी ए में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई और बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हुई, यहां कह सकते हैं एक्सेस हुआ, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ कि यहां पर एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन जब कम हो गया, उसकी वजह से हमने कहा कि यहां पर ये जो बॉडी है ये डिफरेंट प्रॉपर्टी या डिफरेंट एक करेक्टरिस्टिक शो कर रही है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर, और जो बॉडी बी है वो अपने हिसाब से दूसरे बॉडी की ओर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है, डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही है। इसी को अगर मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, मेरे पास है सोडियम, मैंने लिया एक सोडियम मेटल, दूसरा लिया मैंने क्लोरीन। अब सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, सोडियम की अगर हम बात करते हैं, जब सोडियम को मैं क्लोरीन के नजदीक लाऊंगा, ठीक है कि नहीं, जस्ट लाइक मैंने यहां पर दो बॉडीज को रब किया, इसी तरीके से मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं सोडियम को क्लोरीन के नजदीक लाऊंगा। अब सोडियम में हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है, मतलब इसकी पोटेंशियल जो होती है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सोडियम जो है वो आसानी से उसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जाएगा कहां पर? क्लोरीन में। अब सोडियम में पहले हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, और 11 मेरे पास क्या थे? प्रोटॉन थे, ठीक है। अब प्रोटॉन पे हमारे पास साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ये जस्ट साइन कन्वेंशन है, ये चार्ज का नाम नहीं है, इसलिए हम कभी कभार इनको कहते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्ज, लेकिन हमने सीखना है सबसे पहले चार्ज
क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 थे और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन कितने हैं 11, यहां पर सारा इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने रहे 10 इलेक्ट्रॉन, मींस -10 ही, यहां पर कितने प्रोटॉन है +11 प्रोटॉन, ठीक है। यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बने 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन कितने हैं उतने ही। अगर हम अब टोटल यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे, यहां हमारे पास सिंपल हम देखेंगे कि यहां पर टोटल चार्ज जो है या टोटल हमारे पास ये जो पार्टिकल के बेस पर हम कहेंगे, तो यहां पर मेरे पास पहले 11 थे तो 11 यहां से ट्रांसफर हुआ, अब 10 रहे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को क्या करेंगे न्यूट्रलाइज, फिर एक प्रोटॉन रहेगा, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहेगा। इसी तरीके से यहां पर जो हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है वो 17 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहेगा तो ये -1 चार्ज यहां पर क्रिएट होगा। लेकिन अभी भी मैंने आपको चार्ज के बारे में डिटेल नहीं बताया, आखिरकार चार्ज क्या होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं कह रहा हूं कि +1 मेरे पास सब्सटेंस है उसमें +1 एक साइन मैंने दिया है चार्ज रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका मतलब ये है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन जो कम हुआ है। अगर मैंने कहा -1 इसका मतलब ये है कि मेरे पास उस सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक सब्सटेंस पे कितना चार्ज आ जाएगा वो डिपेंड है कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की वो ट्रांसफर हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम चार्ज डिफाइन करते हैं वो सारा कुछ रिलेटेड है, वो किसके साथ रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ, मींस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब चार्ज जो एंटायर डिफाइन हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के बेस पर, प्रोटॉन के बेसिस पर, किसी और पार्टिकल के बेस पर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे चार्ज कितना होता है, उस पे चार्ज कितना होता है उसके बेस पर हम एंटायर चार्ज का कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आखिरकार ये चार्ज क्या होता है, तो चार्ज से सबसे पहली चीज हमें ये पता चला कि किसी भी सब्सटेंस का चार्ज जो होता है देयर विल बी अ डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुआ या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हुआ, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास इस बॉडी में चार्ज है। अब देखो वापस आते हैं इस प्रॉपर्टी पे, हमने क्या कहा था कि हमारे पास चार्ज जो होता है वो आखिरकार क्या होता है। देखो चार्ज किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस पर हम उस सब्सटेंस के, जो हमारे पास सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक या दोनों प्रॉपर्टीज जो है, प्रॉपर्टीज मीन्स या फोर्सेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, मेरे पास सब्सटेंस है बी। अब ये मैंने देखा कि ये ए जो है इस बॉडी बी पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है फोर्स, वो फोर्स मेरे पास या तो इलेक्ट्रिक मेरे पास फोर्स होगी या मैग्नेटिक फोर्स होगी। मैं चार्ज के बेस पर कह रहा हूं, मास के बेस पर नहीं कह रहा हूं, ग्रेविटेशनल भी हो सकती है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है तो ये किस वजह से होगी, ये होगी एक प्रॉपर्टी की वजह से जो एक बॉडी ए में भी होगी और बॉडी बी में भी होगी। मींस वहां पर क्या होगा, चार्ज होगा जिसकी वजह से हम इस बॉडी ए और बॉडी बी की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस का इंपैक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि एंटायर, अगर सिंपल एक वर्ड में हम कहेंगे कि चार्ज हमारे पास जो होता है वो किससे जनरेट होता है, किसके साथ एसोसिएटेड है, वो है इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब जितना भी हमारे पास यहां पर जो प्रॉपर्टी, जो चार्ज का जनरेशन हो रहा है, चार्ज का कंसेप्ट वजूद में आ रहा है, वो सब इलेक्ट्रॉन का खेल है। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे खेलेगा वैसे ही हमारे पास चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। अब हम यहां से हमें क्लियर आइडिया हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास चार्ज नहीं है, प्रोटॉन मेरे पास चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो इस पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जैसे अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इतना चार्ज इस पे है। लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक पार्टिकल है, प्रोटॉन मेरे पास पार्टिकल है। तो सिंपल भाषा में हम क्या बता सकते हैं कि मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है उस पे चार्ज उसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सकता है या उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये था हमारे पास चार्ज के रिलेटेड। अब हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं किस मेथड से हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बाय द वे ऑफ फ्रिक्शन हम कर सकते हैं, इंडक्शन मेथड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, चार्ज जनरेट कर सकते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे चार्ज की, कि चार्ज की, दैट इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन होता है, ये वर्ड निकला है क्वांटा से, ठीक है। यानी क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्या मतलब होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी कह सकते हैं किसी भी हमारे पास चीज, चाहे एनर्जी होगा कुछ भी होगा, तो हम कहेंगे इट इज समथिंग पैकेट। पैकेट का मतलब ये होता है कि नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। अब यहां पर चार्ज जो हमारे पास होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जब हम चार्ज डिस्कस करते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? देखो मेरे पास एक सबस्टांस है, सिंपल भाषा में मेरे पास एक सबस्टांस ए है और मेरे पास सबस्टांस बी है। ये दो सबस्टांस मेरे पास अवेलेबल है। मैंने क्या काम किया? मैंने इन दो बॉडीज को रब किया। क्या किया? दो बॉडीज को रब किया। अब आप बताएंगे मुझे, जब यहां से यहां की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जनरेट होता है जब ट्रांसफर होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? मैं कहूंगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, मैं कहूंगा दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, मैं कह सकता हूं तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, चार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, पांच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? देखो जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उतना ही इस बॉडी पे और इस बॉडी पे चार्ज जनरेट होगा, लेकिन इक्वल अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। दो इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर भी उतना चार्ज जनरेट होगा, यहां पर भी, लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट होगा क्योंकि बॉडीज डिफरेंट होंगी, उनकी पोटेंशियल डिफरेंट होगा। चार्ज ट्रांसफर हुआ है मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, उसकी वजह से यहां पर अगर सपोज चार्ज पॉजिटिव होगा नेचर का, तो यहां पर मेरे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, अकॉर्डिंगली चार्ज उतना होगा, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में मैं कहूंगा 0.5 इलेक्ट्रॉन, मीन आधा इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो सकता है? मतलब ये कहेगा, मतलब सपोज मेरे पास बॉडी भी है, ये कहेगा एक को, नहीं अभी मेरे पास जो है मुझे पहले आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, थोड़ी देर के बाद मुझे और आधा इलेक्ट्रॉन देना, फिर मेरे पास कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अच्छा ये डेढ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अच्छा ढाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है एक सिंगल पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। समझ आ रही मेरी बात? इसका मतलब यह है कि हमारे पास किसी भी पार्टिकल, मेरे पास ये पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल पे मेरे पास कम से कम मिनिमम चार्ज कितना एग्जिस्ट हो सकता है। अब चार्ज हमारे पास किस पे डिपेंड है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे। और कम से कम इलेक्ट्रॉन कितना एग्जिस्ट हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो सकता है। तो मिनिमम चार्ज किसी पार्टिकल पे कितना एग्जिस्ट हो सकता है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है ना। जैसे मेरे पास ए मैंने पार्टिकल लिया, बी पार्टिकल लिया, यहां से यहां की ओर चार्ज ट्रांसफर हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, तो इलेक्ट्रॉन खुद भी एक पार्टिकल है ना, इस पे कुछ चार्ज होगा, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर क्या है कि मिनिमम चार्ज किसी भी सबस्टांस पर कितना हो सकता है? जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। इसका मतलब यह है कि कम से कम मेरे पास चार्ज, अगर देखूंगा क्यों इस इक्वल्स टू कितना चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इतना चार्ज कम से कम किसी भी पार्टिकल पे, इससे कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट कितना चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है? 2 times चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, 3 times चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, 4 times चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि मेरे पास किसी भी बॉडी पर चार्ज कितना हो सकता है? N times charge of electron, N times, what is this E? This is an elementary charge, जो कि हमने एक reference लिया, क्या लिया? Reference लिया। जैसे हम किसी भी body का अगर motion define करते हैं, तो मेरे पास एक reference होना चाहिए, जहां से मैं उस body का motion define कर सकता हूं। इसी तरीके से किसी भी body पर, किसी भी substance पर कितना charge हो सकता है, मेरे पास एक reference होना चाहिए कि कम से कम charge कितना हो सकता है, exist हो सकता है। तो कम से कम charge कितना exist हो सकता है? जितने एक charge पे या एक electron पे charge होता है। इसका मतलब अगर मेरे पास बॉडी है, वहां पर मुझे निकालना होगा टोटल चार्ज कितना इसमें हो सकता है, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर चार्ज कितना ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, कितना चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि हमारे पास एन टाइम्स, अभी एन कुछ भी हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 10 times चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में क्रिएट होगा, 20 इलेक्ट्रॉन में 20 इलेक्ट्रॉन। क्या हमारे पास 20.5 हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है।
इसका मतलब देखो, अगर हम ये सारी चीजें वैल्यू नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास चार्ज ऐसे एग्जिस्ट हो सकता है 1, 2, 3 times, 4 times, 5 times, इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, मतलब कंटिन्यूटी नहीं है। तो मेरे पास चार्ज एग्जिस्ट क्या हो रहा है, एक पैकेट की फॉर्म में, इस तरीके से पैकेट की फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस हमारे पास चार्ज एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी बॉडी पर, सिंपल भाषा में, किसी भी बॉडी पर चार्ज कंटिन्यूअस एग्जिस्ट नहीं करता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि मेरे पास ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन भी है, फिर एक पॉइंट एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक पॉइंट जीरो एक इलेक्ट्रॉन भी है, आधा इलेक्ट्रॉन भी है, डेढ़ इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिसको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, थ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर कितना हो सकता है, दिस एन टाइम्स ई। अब ये एन जो हमारे पास है, ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास हो सकता है, मीन्स वन हो सकता है, टू, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक नहीं, ये कुछ भी हमारे पास इंटीजर हो सकता है, लेकिन जीरो हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि जीरो हम कहेंगे तो मतलब कुछ भी नहीं है चार्ज, तो वो क्या कहते हैं, सेंसलेस है। इंपॉर्टेंट, ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसकी, चार्ज की, कि आखिरकार हमारे पास चार्ज जो होता है कितना एग्जिस्ट होता है, कैसे किसी बॉडी पर कितना चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है। देखो, इसके बेसिस पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करेंगे, सपोज आपको पूछा जाएगा कि मेरे पास क्या इतना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, ये आसानी से आप कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर लेकिन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आप बताओ मुझे 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब जो है क्या इतना चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि आपके पास चार्ज यहां पर दिया है, तो आपको क्वांटाइजेशन रूल अप्लाई करना है कि Q is equals to n times e। ये बता रहा है कि आपके पास चार्ज कितना एग्जिस्ट हो सकता है, इतना। तो चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁷ is equals to n into चार्ज पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास इंटीजर आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर ये चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है। अगर मेरे पास ये चीज फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल फॉर्मेट में मैं आ गया, आधा अधूरा आ गया, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हम n निकालेंगे 1.6 × 10⁻¹⁷ × 10⁻¹⁹ देखो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 10⁻², ये ऊपर आ जाएगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 100। देखो ऐसे आपको लगेगा कि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमने देखा कि इतना चार्ज बनाने के लिए मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब जाके मेरे पास, देखो 100 आ रहा है, ये बिल्कुल हमारे पास इंटीजर है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलम्ब चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। देखो ऐसे अगर डायरेक्ट आप देखेंगे, आपको लगे नहीं, ने तो पढ़ा था कम से कम इतना चार्ज है, ये तो -17 है, देखो -17 जो है इससे बड़ा है -19 से, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो आप चेक कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पर हमारे पास कितना चार्ज एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चाहे आप नीट का एग्जाम दे देंगे, ठीक है कि नहीं, वहां पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इसके बेस पर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो अब इंपॉर्टेंट कुछ यूनिट हम डिस्कस करेंगे चार्ज का यूनिट। देखो चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है, कूलम्ब, इन एसआई सिस्टम में कूलम्ब होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या कहते हैं कि सीजीएस सिस्टम में, तो इसका यूनिट जो होता है वो स्टैट कूलम्ब होता है। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया चार्ज क्या होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चार्ज की, फिर हम मूव करेंगे कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट चार्ज होंगे उनके बीच में फोर्स कितनी होती है, किस चीज पर डिपेंड होती है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हम कूलम्ब्स लॉ में।